चाइना ने जनवरी 2019 में इतिहास रच दिया जब उनका चैंग ई 4 स्पेसक्राफ्ट जाकर चांद पर लैंड किया। इस मिशन का पर्पस था चांद पर पौधे उगाने की कोशिश करना। ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ एक मिनी बायोस्फीयर लेकर आया था जिसका नाम था लूनर माइक्रो इकोसिस्टम LME। ये छोटा सा सिलेंडर था जो बेसिकली कंडीशंस को इमिटेट कर रहा था जैसे धरती पर कंडीशंस हैं, लेकिन एक डिफरेंस था, ग्रेविटी की कमी थी और दूसरा कॉस्मिक रेडिएशन आ रही थी। तो ये देखना था कि पौधे कम ग्रेविटी के साथ और रेडिएशन के साथ उग सकते हैं कि नहीं। इस LME के अंदर पोटेटो सीड्स, कॉटन सीड्स, रेप सीड्स, यीस्ट, फ्रूट फ्लाई एग्स और कॉमन वीट थी। एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। सबसे पहले कॉटन की सीड स्प्राउट करी, उसके बाद रेप सीड, उसके बाद पोटेटो सीड्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 14 दिनों के बाद ये सारे पौधे मर गए। सिंपल रीजन है इसके पीछे, मून जिस तरीके से रोटेट करता है धरती के राउंड, 2 हफ्ते मून पर सनलाइट आती है, 2 हफ्ते तक डार्कनेस रहती है। जब सनलाइट पड़ती है तो टेम्परेचर पौधों के उगने के लिए सही था, लेकिन जब धूप नहीं पड़ रही थी तो टेम्परेचर -310 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच गए थे और बिना इंसुलेशन के ये पौधे ऑब्वियसली जिंदा नहीं रह पाए।